मुरादाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने आज सोनपुर ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा है जो कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें तेजी के साथ किया जाए, जहां पर उन्हें ये जानकारी दी गई है कि अगस्त के महीने में ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस पुल का काम पूरा किया जाए जिससे जनता को यहाँ का फायदा मिल सके। मुरादाबाद के सोनकपुर ओवरब्रिज के कार्य को देखने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो कार्य अधूरे हैं उनको तेजी के साथ किया जाए। कार्य धीमी गति से चल रहे हैं और काफी समय हो चुका है। रेलवे ने अपना काम काफी समय पहले पूरा कर लिया है, अब ऐसे में सेतु निगम का काम बाकी रह गया है। पूरे पुल का निरीक्षण करने के बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा करें जिससे जनता इसका फायदा उठा सके, जहां पर अधिकारियों द्वारा उन्हें जानकारी दी गई कि अगस्त के महीने तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। जितेंद्र प्रसाद माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश ने आज सोनकपुर रेल ऊपरीगामी सेतु निर्माण अधीन का स्थलीय निरीक्षण कर ओवरब्रिज की गुणवत्ता को देखा तथा सेतु निगम के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर आरके सिंह से रेलवे ओवरब्रिज के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हुए तीव्रता से कार्य पूरा कर ओवरब्रिज को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। रेलवे ओवरब्रिज को सितंबर 2017 में कार्य प्रारंभ किया गया था। रेलवे ओवरब्रिज की 90% भौतिक प्रगति होने पर लोक निर्माण मंत्री ने ओवरब्रिज का 100% कार्य समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर पहुंचकर सरिया सीमेंट की कंपनी के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर सेतु निगम को प्रत्येक 15 दिन में ओवरब्रिज निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा, इसलिए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। रेलवे द्वारा ओवरब्रिज का अपना पार्ट तैयार करने पर उन्होंने सेतु निगम को कार्य में और गति बढ़ाने के निर्देश देते हुए ओवरब्रिज के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर शिफाली सिंह, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, SSP हेमंत कोटिया, जिला अध्यक्ष भाजपा धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, महानगर अध्यक्ष भाजपा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं सेतु निगम तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुरादाबाद तो खास प्राथमिकता रखता ही है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, और यहाँ जो भी संपूर्ण विकास के कार्य हैं खासतौर से हमारे विभाग के लोक निर्माण के, ये एक महत्वाकांक्षी योजना मुरादाबाद जनपद के लिए है जो यहाँ की जनता के लिए बहुत सुविधा रूप में एक सरकार द्वारा तीव्रता से काम हो रहा है, और जहाँ भी कोई कमियाँ हैं सख्त निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और समय सीमा पर जल्द से जल्द इस रेलवे ओवरब्रिज को कंप्लीट करें। और जहाँ तक और यहाँ मुरादाबाद आने का सवाल है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे वृक्षारोपण अभियान जो चल रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, एक कड़ी है जो सोच है वो सिर्फ सियासत नहीं बल्कि समाज के हित के लिए जो काम हो रहे हैं। ग्रीन यूपी अभियान चलाया जाएगा और वृक्षारोपण होंगे जो पर्यावरण है उसकी देखभाल के लिए, जनता के दूरगामी परिणाम जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हैं उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार विशेष अभियान चला